सब्सक्राइब करें हमारे ब्लाइंड टेक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हर रोज आने वाली हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ साथियों, यदि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर और हमें एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगी। और हाँ साथियों, मैं आप लोगों को एक बात तो बताना भूल ही गई कि यदि आप लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर समस्या का समाधान जल्द से जल्द चाहते हैं तो हमारे अबाउट सेशन में जाकर हमसे संपर्क कीजिएगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप क्रिएट किए गए हैं, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे ब्लाइंड टेक इन्फॉर्मेशन ग्रुप के साथ। तो दोस्तों, देरी किस बात की, फॉलो कीजिएगा हमारा अबाउट सेशन और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, हाजिर हो चुके हैं आज एक बार फिर से आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से एक्सेल सिनेमा एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, एक्सेल सिनेमा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो ऑडियो मूवीज, ऑडियो सीरीज देखने के लिए काम आ सकता है। यदि आप थिएटर में जाना चाहते हैं या थिएटर में जाते हैं तो आप इस ऑडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको ऑडियो मूवी सुनने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैं चलता हूं अपने एक्सेल सिनेमा की ओर। ठीक है, एक्सेल सिनेमा ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक्सेल सिनेमा को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सेल सिनेमा को ओपन करने के बाद आप यदि किसी भी सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करें। ठीक है, आप सभी से विनती है। तो मैं ओपन कर दिया हूँ, यहाँ से नंबर सेलेक्ट करना, आपको नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ। स्टूडियो लॉगिन बटन, गेट वेरिफिकेशन कोड बटन, गेट वेरिफिकेशन कोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा ओटीपी ऑटोमेटिकली वेरीफाई ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ से लॉग आउट और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, क्लोज कैप्शंस, अब देख लेते हैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन। पहले ऑडियो डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके दिखा देते हैं आपको क्या क्या आ रहा है। मैं क्लिक कर दिया हूँ। सिलेक्ट टिकट का ऑप्शन आ रहा है, रिफ्रेश टिकट, लॉग आउट। तो मैं सिलेक्ट, देखो यहाँ पर ये सारी मूवी शो करने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं और देखते हैं श्रीकांत। तो देखो श्रीकांत पर क्लिक करते हैं एक बार, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी जो है मूवी वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप यदि किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हैं, किसी भी थिएटर वगैरह में जाते हैं, वहाँ से आप यहाँ प्ले करना शुरू करेंगे और प्ले करने के बाद आपकी मूवी जो है चलने लग जाएगी। तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लेते हैं। तो और देख लेते हैं, और मैंने कोई डाउनलोड करके रखी कि नहीं। Hindi audio description, log out. और देख लेते हैं आगे, bad news. और देख लेते हैं, kill. Hindi audio, Mr. and Mrs. Mahi. और देख लेते हैं, Srikanth. Yadha, Hindi, Shaitan, Hindi, Lapita ladies, Hindi audio, article 370. इस पे क्लिक करके देख लेते हैं अगर article 370. H Hindi download button. ये भी डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है, तो एक बार मैं बैक कर देता हूं, मेरा श्रीकांत वाला हुआ कि नहीं देखते हैं। Kill. Mr. and Mrs. Mahi. ये मिस्टर मिसेज माही, यहाँ से अलग अलग मूवी शो कर रही है तो यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करना है। ठीक है, और देख लेते हैं श्रीकांत पे देख, क्लिक कर दिया मैंने। और आगे देख लेते हैं, आगे डिलीट प्ले, तो यहाँ से मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब ये यहाँ से डिलीट और प्ले और क्या रहा है, नेविगेटर। ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आइटम 101 ऑफ 100 प्रोग्रेस बार। ठीक है, और एचएनडी ऑडियो प्ले बटन, यहाँ से प्ले करते हैं। देखो ओनली दिस टाइम व्हाइल यूजिंग द ऐप बटन, अलाउ कर देते हैं इसको एक्सेल सिनेमा। ठीक है, स्टॉप कर देता हूँ फिलहाल में। इसका मतलब क्या है, देखो
अगर आप किसी भी थिएटर वगैरह सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद इसको जो भी मूवी चल रही है उस पर क्लिक करेंगे। मूवी क्लिक करने के बाद अपने ईयरफोन लगाकर या ब्लूटूथ लगाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके थिएटर या सिनेमा हॉल में कितना भी शोर होगा तो आप आसानी से एक कोने में बैठकर भी इसको सुन सकते हो, आसानी से समझ सकते हो क्या चल रहा है क्या हो रहा है। और आपको ज़्यादा आगे जो भी थिएटर चल रहा है वहाँ पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, अपने ईयरफोन में ही बैठकर सुन सकते हो। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, यदि किसी भी सिनेमा हॉल थिएटर वगैरह में आप जाते हैं तो आप लोग इसका ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने नोवा फ्लिक्स वगैरह से इस्तेमाल किए होंगे, नोवा फ्लिक्स वगैरह की तरह ही ये भी एप्लीकेशन है। ये इसकी डेवलपर दीप्ति मैम है। तो बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस एप्लीकेशन को शेयर करें, यदि वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम। मित्रों, कई लोगों की डिमांड थी कि मैं इस एप्लीकेशन पर वीडियो लेकर आऊँ, तभी मैं लेकर आ रहा हूँ, नहीं तो मेरे लिए तो कुछ खास लगा नहीं इस एप्लीकेशन में, लेकिन आप लोगों को लगता है तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।